हेलो क्लास सेवेंथ क्लास, जैसा आप जानते हैं कि अभी हमारा हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम चल रहा है, यानी हमने हिंदी साहित्य को शुरू किया है। आप लोगों को पता है कि मैंने अपने पिछली वीडियो में पार्ट 12 सच्चा तीर्थयात्री का वाचन करवाया था, जो कि पाठ समाप्त हो चुका है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का पाठ 14 जल का महत्व करवाऊंगी। पाठ को पढ़ाने से पहले थोड़ा समय इसके बारे में आपको बता देती हूं। जल बिना प्राणी जगत का अस्तित्व संभव नहीं। जल बिना प्राणी जगत का अस्तित्व क्या है? संभव नहीं है। ऐसी अनमोल वस्तु का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को इस चीज से वंचित ना रहना पड़े। इस तथ्य को बहुत सुंदर ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, यानी जल का उपयोग हमें कैसे करना है, उसको हमें बेकार नहीं होने देना है। यदि हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि इस विकास चक्र में बेचारी प्रकृति ही पिस रही है। हमारे जेट यानों ने उड़ानों में पक्षियों को मार दे दी, पर हवा में एक नया जहर घोल गए। हिरन की कुलाचों को मोटर कार और दूसरे किस्म किस्म के वाहनों ने पीछे छोड़ दिया है, पर साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के अभिशाप के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस भी छोड़ दी है। इसी प्रकार हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है। अतः प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आज जो हम पढ़ेंगे जल का महत्व, इसी के विषय में पढ़ेंगे, यानी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल का क्या महत्व है, जल कैसे दूषित होता है। ध्यान देंगे आप बच्चों, हर रोज के कामों में हम जल का उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे पीने, नहाने, धोने तथा सफाई आदि। आप जानते हैं कि जल का प्रयोग हमारा प्रतिदिन होता है। नहाने, पीने, धोने, खाना बनाने, सफाई आदि में बिना जल का कुछ भी काम नहीं है। इन सब में जल का ही उपयोग होता है। हमारे खाद्य पदार्थों में जल की कुछ न कुछ मात्रा विद्यमान रहती है। जो हमारी खाने की वस्तुएं, इसमें जल की कुछ न कुछ मात्रा तो होती है। हरी सब्जियों में तो ये मात्रा बहुत अधिक होती है। खीरे और ककड़ी में लगभग 95% जल होता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि खीरा और जो ककड़ी है, इसमें लगभग 95% जल होता है। कृषि से ही खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पर पानी के बिना कृषि संभव नहीं। हम जब खेती करते हैं, खेती का काम करते हैं, तभी तो खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। और यदि पानी ही नहीं है तो ये सब संभव नहीं है। बिना पानी के तो खेती होगी नहीं। बीज के अंकुरण से लेकर पौधों में फल लगने तथा उनके पकने के अवधि तक नमी की जरूरत होती है। जब हम बीज बोते हैं खेतों में, उसका अंकुर निकलता है, पौधों में फल लगने तक और उनके पकने के समय तक, अवधि मतलब समय तक, नमी की जरूरत होती है। पौधे की समुचित वृद्धि के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं कि बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। क्या नहीं है? बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। जब आप खेत में बीज डालते हो, तब से लेकर उसके फूल निकलने तक, अंकुर निकलने तक, मतलब पौधा जब वो बन जाता है, उसके बीज निकलने तक, क्या है हमें किस चीज की जरूरत होती है? पानी की जरूरत, यानी उसको नमी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो पौधे की समुचित वृद्धि, उसका जो समुचित विकास के लिए, उसके बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होती है? हमें उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उर्वरक मतलब खाद का उपयोग। ये उर्वरक पानी में घुलकर जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाए जाते हैं। जो ये खाद है, इसको पानी में घुलकर जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े कल कारखानों में वाटर गैस का उपयोग होता है। भाप के इंजन में भी पानी का उपयोग
होता है। इस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है बच्चों, इतना ही नहीं, मतलब बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, इन सब में वाटर गैस का उपयोग होता है और भाप के इंजन में भी तो पानी का उपयोग होता है। इस प्रकार जल के बिना हमारा जीवन असंभव ही नहीं नामुमकिन है। यदि जल नहीं तो कुछ भी नहीं। शरीर के भीतर जल के महत्व का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि स्वस्थ शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी ही होता है। यानी जो हमारे शरीर में है, जो हमारा लगभग 2/3 भाग क्या है, तो पानी ही होता है। स्वस्थ शरीर, शरीर में पानी की उपस्थिति में खून तरल बना रहता है। पानी की उपस्थिति में क्या है, खून जो है तरल पदार्थ के रूप में जो बना रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। यानी बार बार में यह समझाया गया है कि बिना पानी के कुछ भी नहीं है। अतः यह कहना कि जल ही जीवन है सार्थक है। यानी इस बात में सच्चाई है, यह बिल्कुल सार्थक है कि जल ही जीवन है। मतलब हम सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो जल है वही जीवन है। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक आदि। पानी ऐसा द्रव है जिसमें किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थों को घुलने की क्षमता अधिक होती है। पानी एक ऐसा पदार्थ है, द्रव है, जिसमें किसी भी अन्य द्रव की अपेक्षा पदार्थों को, कोई भी पदार्थ को घोलने की क्षमता यानी उसके अंदर ज्यादा होती है। किसमें, पानी में। अधिकतर पदार्थों की कुछ न कुछ मात्रा पानी में घुल सकती है। अधिकतर पदार्थ ऐसे हैं जिसकी कुछ न कुछ मात्रा तो पानी में अवश्य घुल सकती है। भोजन के उसी भाग का हमारे शरीर में पाचन होता है जो पानी में घुलनशील होता है, यानी जो पानी में घुल सकता है। घुलनशील होना मतलब जो पानी में आसानी से घुल सकता है। ठीक है बच्चों, यहीं तक, यानी पृष्ठ 99 के इस पैराग्राफ तक कि जो पानी में घुलनशील होता है, यानी दूसरे पैराग्राफ तक मैं आपको समझाया। और यहीं तक आप पढ़ेंगे, आप पाठ को पूरा पढ़ लें, लेकिन जितना मैंने आपको समझाया आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि पानी कितना जरूरी है, यानी जल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जल नहीं तो कुछ भी नहीं। आप देखें, आपको प्यास लगती है, अगर आपके पास पानी उपलब्ध नहीं होता है तो आप कितना परेशान होते हैं। होते ना आप लोग परेशान, आपको बहुत तेज से प्यास लगी, आपके आसपास पानी नहीं है, कहीं दूर आपको जाना है, तब तक आपके मुंह से एक बार निकलता है यार जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक तो न जाने क्या हो जाएगा। यानी आप अच्छे से जानते हैं, हर व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन जानने के बावजूद भी हम लोग उसके महत्व को नहीं समझते हैं। मतलब उसको, हम पानी को बर्बाद होने देते हैं अपने सामने। आप देखते हो कि हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं नल के सामने तो हम लोग क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, हम बर्बाद करते हैं, ये जानते हुए कि ये पानी कितना जरूरी है, इसको हमें कैसे बचाना है। और बहुत जरूरी है कि हमें पानी को बचाना। आपको देखा ना, आपने पहले पढ़ा ना कि आने वाली पीढ़ी, यदि हम पानी को इसी तरीके से बर्बाद करते रहे, उसका महत्व तो नहीं समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों से वंचित रह जाएगी। एक समय नहीं तो ऐसा आएगा कि हमें बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा, पानी के एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप पूरा पाठ पढ़ लें और जहां तक मैंने आपको पढ़ाया बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित आप जानते हैं कि प्रश्न उत्तर आपको पहले जहां तक पढ़ाया जाता है उतना ही दिया जाता है, और उसके बाद पूरा पाठ तो आपको बाद में फिर उसी संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। जितना भी मैं आपको कार्य दूं आप बहुत ध्यान से करेंगे और बहुत अच्छे से पाठ को समझेंगे। एक बार बच्चों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग समय पर काम कीजिए, समय पर काम कीजिए। बच्चों आप वीडियो देखते ही नहीं, आप वीडियो देखिए, आप
काम कीजिए, आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे अच्छे नंबर लाएंगे और कैसे आप अपने गृह कार्य को करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा और समय पर कार्य को अवश्य भेजिए। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।